हिमाचल पेंशनर संघ जिला इकाई की बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में हमीरपुर में संपन्न हुई। इसका संचालन प्रदेश महासचिव योगराज शर्मा ने किया, जिसमें 45 से अधिक पदाधिकारियों व पेंशनरों ने भाग लिया। बैठक में प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की 25 अक्टूबर 2018 को घृणा घट्टी शिमला में बैठक हुई। चर्चा के बारे में सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी गई। जिला प्रधान केसी गौतम द्वारा सदस्यों को बताया गया कि प्रदेश स्तरीय बैठक में किए गए नई रसीद बुके छपवाने तथा पेंशनरों के चिकित्सा बिलों तथा दवाइयों की रैपर जमा करवाने के मुद्दों पर जोर शोर से उठाया गया। इसके परिणाम स्वरूप नई रसीद बुक छप रही है, रैपर का मामला भी सरकार को भेज दिया गया है। बैठक में करुणाधार पर नौकरी के लंबित मामलों पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। पेंशनरों की लंबित मांगों के बारे में प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में पेंशनर मुख्यमंत्री से प्रवास के दौरान अम्ब में मिलकर चर्चा की गई। जिला प्रधान केसी गौतम द्वारा आगामी 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस ऊना जिला मुख्यालय में आयोजित किए जाने के बारे में सदस्यों को जानकारी दी गई। इस मौके पर संघ संस्थापक बीडी शर्मा द्वारा संघ के प्रचार प्रचार हेतु जिला प्रधान केसी गौतम के सौजन्य से वर्ष 2019 का कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। उत्तर के अतिरिक्त बैठक में जिला कोषाध्यक्ष प्रेम चंद शर्मा, संरक्षक राज रानी, निशा कुमारी माया देवी, प्रवक्ता उत्तम चंद शर्मा, उप प्रधान दीप चंद शर्मा, संगठन सचिव प्रेम चंद शर्मा, हमीरपुर खंड कोषा अध्यक्ष नानक शर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। हिमाचल पेंशन संघ की मीटिंग मासिक रूप में होती है और इसके एजेंडे पूर्ववत जो पेंशन की डिमांड्स हैं, जैसे कि 5, 10 और 15% जो है सरकार ने पेंशन को 65, 70 और 75 वर्ष की आयु के प्रान दिया है। इसके ऊपर संघ जो है वो बहुत ही स्ट्रेस कर रहा है सरकार से कि इसको टूवर्ड्स पेंशन इसकी हाइकिंग की जाए और इस संबंध में हिम आंचल पेंशन संघ का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जिला ऊना के अम में पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें पूर्ववत यह आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही आपकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। इसी संदर्भ में हमने जिला मंडी के अंतर्गत चैल में माननीय मुख्यमंत्री से पहले भी बात की है, तो उन्होंने उस बात को स्वयं दोहराया है कि आप लोग हमें चैल चौक में भी मिले, तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी इन मांगों को यथाशीघ्र स्वीकार करेगी। और इसके साथ ही प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की मीटिंग जिला शिमला की घनाट्टी में 25 अक्टूबर को संपन्न हुई, उसमें भी इन डिमांड्स के बारे में जोर शोर से सरकार के सामने मांग रखी गई और जितने भी वहां पर उपस्थित पदाधिकारी थे उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया है सरकार के प्रति कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी। लेकिन हिम आंचल पेंशन संघ का इतिहास ऐसा रहा है कि यदि सरकारें नहीं मानी हैं तो हिम आंचल पेंशन संघ जो है वो सड़कों के ऊपर भी उतरा है जब उन्होंने इस बात को समझा है कि सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। तो लेकिन हमें अभी तक पूरा विश्वास है कि सरकार जो है ये 65, 10, 65, 70 और 75 की डिमांड्स को 5, 10, 15% के रूप में ये पेंशन में वृद्धि के रूप में मान लेगी। और इसी प्रकार से हालांकि पंजाब में पेंशनर्स को और कर्मचारियों को 500 रुपये मासिक ये चिकित्सा भत्ता है, लेकिन आज की डेट में 500 रुपये बहुत ही कम है और जो पेंशनर्स हैं बूढ़े हैं उनको कई प्रकार की बीमारियों ने ग्रसित कर रखा है। तो हमारी डिमांड इसके संदर्भ में सरकार से है कि कम से कम 1,000 रुपये मासिक पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ता के रूप में दिया जाए,